हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी रिसेंटली जो सेल वगैरह गई है फ्लिपकार्ट अमेज़न की, तो यहाँ पे काफी लोगों ने अपना जो है नया नया आईफोन बाय किया होगा। और आईफोन के बॉक्स के अंदर कोई एडेप्टर तो देखने के लिए मिलता नहीं है, तो बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा वाला जो है ओरिजिनल वाला चार्जर लेना चाहिए, एप्पल 20 वॉट का या फिर कोई थर्ड पार्टी चार्जर पोटोनिक्स वगैरह का हमें चार्जर लेना चाहिए। तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने अपने लिए एक टेस्टिंग पर्पज के लिए एक चार्जर ऑर्डर किया था, जो था पोटोनिक्स का 20 वॉट का चार्जर, ये वाला, जिसकी मैंने चैनल पर जो लाइव वीडियो भी है कितने टाइम में चार्ज वगैरह करता, तो काफी अच्छी तरीके से जो आईफोन को फास्ट चार्जर कर देता। आईफोन 13 की बात कर रहा हूं मैं, तो आज मैं एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं, बिकॉज उस वीडियो में भी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई आप जो है पोटोनिक्स एप्पल का जो 20 वॉट का ओरिजिनल एडाप्टर है उसका दोनों का एक कंपैरिजन करो। तो यहां पे आज जो है मेरे पास दो आईफोन 13 है, ठीक है, ये दोनों आईफोन 13 होने वाले, ठीक है, साइड बाय साइड, ये दोनों नए आईफोन 13 है, साइड बाय साइड रख के हम कंपैरिजन करेंगे। ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ये पोटोनिक्स का जो मैंने पहले टेस्ट किया था, और ये जो है एप्पल का ओरिजिनल वाला एडाप्टर है दोस्तों। तो यहां पे हम साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, टाइमर वगैरह लगा के क्या हीटिंग इश्यूज है, कितने टाइम में दोनों जो है एडाप्टर्स अपने आईफोन को जो है फुल चार्ज करते हैं, और क्या टेम्परेचर वगैरह कुछ इशू आता है क्या देखने के लिए, तो सारी चीजें बताने वाला हूं। एंड में ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा जो है एडाप्टर आपके लिए सही होगा, बिकॉज यहां पे प्राइसिंग का जो है काफी अच्छा खासा फर्क आ जाता है। जो पोटोनिक्स का जो 20 वॉट का जो चार्जर है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है तकरीबन 400-500 रुपए में, और एप्पल का जो ओरिजिनल है ये मिलता है तकरीबन 1900 रुपए, 1800-1900 रुपए के आसपास में, ठीक है दोस्तों। तो दोनों का अभी फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बैटरी हेल्थ पे कुछ इंपैक्ट होगा कि अगर आप मान लीजिए एप्पल ओरिजिनल एडाप्टर से नहीं, पोटोनिक्स वगैरह से या कोई थर्ड पार्टी चार्जर से जो है चार्ज करते हो अपना आईफोन, तो फिर यहाँ पे आप, क्योंकि बैटरी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा जिसको लेकर पॉजिटिवनेस है, तो ये भी आपको चीज़ एंड में जरूर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, यहाँ पे मैंने दोनों बोर्ड्स अलग अलग रखे हैं और दोनों को जो है एक ही सॉकेट में कनेक्ट किया आगे से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए एप्पल का ये जो ओरिजिनल एडाप्टर है, ठीक है, ये 20 वॉट का एडाप्टर है, और यहाँ पे अगर हम पोटोनिक्स की बात करें तो ये भी जो है 20 वॉट का एडाप्टर है, ठीक है। दोनों की जो पावर वगैरह है सेम है, दोनों ही पीडी चार्जर है, दोनों ही फास्ट चार्जर है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको दोनों को पहले साइड में रख लेते हैं, और हमारे जो दोनों आईफोन्स हैं वो पूरी तरह से जो है डेड कंडीशन में, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको बूट करता हूँ तो देखिए दोनों ही जो है एकदम डेड कंडीशन में है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम जो है दोनों जो केबल्स है बॉक्स के अंदर जो ओरिजिनल केबल आती है वही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे फटाफट से जो है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड्स के साथ। अब जो है दोस्तों, मैंने दोनों ही आईफोन को जो है प्लग इन तो कर लिया, लेकिन मैंने स्विच ऑन नहीं किया। अभी भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ये डेड कंडीशन में ही है दोनों आईफोन्स। अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है डेड कंडीशन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी सबसे पहले मैं टाइमर स्टार्ट करने से पहले और स्विच ऑन करने से पहले आप लोग को जो है टेम्परेचर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है दोनों डिवाइस रूम टेम्परेचर और दोनों एडाप्टर्स का कितना टेम्परेचर है, ताकि बाद में हमें हीटिंग इशू समझ में आए। और यहाँ पे जो है लेफ्ट में आप लोग जो देख रहे हो ये है पोटोनिक्स का, और यहाँ पे जो राइट में देख रहे हो ये है एप्पल का ओरिजिनल, ताकि आप लोग को, मैंने लेफ्ट में इसलिए बॉक्स लगाया ताकि आप लोग को जो है डिफरेंस समझ में आए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम रूम टेम्परेचर वगैरह देख लेते तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूम टेम्परेचर 31.8 है, और जो पोटोनिक्स वाला एडाप्टर है उसका देख लेते हैं हम, ये 31.1, और जो एप्पल वाला है उसका भी चेक कर लेते हैं, ये 31.2। और डिवाइसेस का भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला आईफोन 13 है लेफ्ट में इसका है 31.2, और राइट वाले का देख लेते हैं इसका है 31.0, यानी सब में जो है ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, बिकॉज रूम टेम्परेचर पे ये सब कुछ नॉर्मली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है मैं टाइमर भी स्टार्ट करने वाला हूँ और दोनों के जो स्विच है वो भी ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब फटाफट से मैं जो है दोनों के स्विच एंड टाइमर जो है ऑन कर लेता हूँ, और बीच बीच में जो है सो मैं आपको चार्जिंग परसेंट के साथ साथ जो है दोनों मोबाइल का जो हीट वगैरह है, दोनों एडाप्टर्स का जो हीट है, टेम्परेचर वगैरह वो भी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं दोनों के जो है स्विच ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है हमारा टाइमर भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइमर स्टार्ट हो गया और दोनों ही जो डिवाइसेज है बूट हो चुके हैं दोस्तों, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे। और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो एप्पल का लोगो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पोटोनिक्स वर्सेस एप्पल में, ठीक है। अभी दोनों में जो है ऑलमोस्ट 13-14 सेकेंड्स हो चुके हैं दोस्तों, और अभी तक जो है दोनों में हमें एप्पल का जो है लोगो जो दिखता है जो स्टार्ट होने के टाइम, वो नहीं दिखा अभी तक, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप एप्पल वाला जो है राइट में सबसे पहले जो है एप्पल का लोगो आ चुका है, जो एप्पल का ओरिजिनल है। और अभी तक प्रोटोनिक्स वाले में जो है मैं एप्पल का लोगो देखने के लिए नहीं मिला, जस्ट नाउ अभी आया है, कुछ 5-6 सेकंड्स का फर्क था दोनों में, ठीक है। और राइट वाला जो एप्पल वाला है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, लेफ्ट वाले प्रोटोनिक्स में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है जी, तो यहाँ पे दोनों ही जो डिवाइसेज है ऑलमोस्ट 5-6 सेकंड के फर्क पे जो है स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे एप्पल वाला जो है 5-6 सेकंड अर्ली इसने जो है स्टार्ट कर लिया अपने डिवाइस को, और अभी प्रोटोनिक्स वाले में थोड़ा सा 5-6 सेकंड का हमें डिले देखने को मिला। अभी जो है टाइमर में 1 मिनट 20 सेकंड हो रहा है, ठीक है। और मैं अगर दोनों का ही जो है बैटरी परसेंट देख लूँ तो 2% इसमें हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर जो है बेसिकली iOS 16 है, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ध्यान से, इसके अंदर जो है 4% हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 3% हो चुका है, ठीक है। तो एप्पल का थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट चल रहा है अभी तक तो फिलहाल, ठीक है। अभी मैं दोनों का रख देता हूँ, लेट्स सी, थोड़ा 15-20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ हम टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे अभी 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं दोनों में जो है कितना परसेंट चार्जिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 29% हो गया है 15 मिनट के अंदर, जो एप्पल का ओरिजिनल एडेप्टर है राइट की तरफ, और अगर मैं लेफ्ट की तरफ बात करूँ जो प्रोटोनिक्स वाला है तो ये 30% चार्ज हो चुका है। ये कितना था, 29-30%, 1% का फर्क है, 1% फास्ट चार्ज कर रहा है जो प्रोटोनिक्स वाला है। अब यहाँ पे जो है दोनों का हम हीटिंग चेक कर लेते हैं कितना है। पहले मैं आपको जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम, एक सेकंड मैं इसको जो है ऑब्जेक्ट पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रूम टेम्परेचर देखता हूँ तो 32.5 सेल्सियस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडेप्टर्स का चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोटोनिक्स का जो है 45.2 सेल्सियस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हीट है। और यहाँ पे अगर हम एप्पल का देखते हैं, एप्पल ओरिजिनल जो है यह है 40 का, तो यानी कि ये ऑलमोस्ट 5.5 सेल्सियस का फ़र्क आ गया है प्रोटोनिक्स में। प्रोटोनिक्स थोड़ा ज़्यादा हीट हुआ है, ठीक है। सेम हम इसका भी डिवाइस का भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोटोनिक्स वाला जो डिवाइस है वो है 37.2 पे, और सेम एप्पल का हम एप्पल का जो ओरिजिनल चार्ज से हो रहा है उसका चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 36.6। तो डिवाइस में तो ज़्यादा नहीं, 1-1.5% का ही फ़र्क है, बट यहाँ पे जो है मैं एडेप्टर्स में अच्छा खासा फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 5-6 सेल्सियस ये ज़्यादा हाई हो रहा है प्रोटोनिक्स का। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं मैं जो नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा वो 30 मिनट्स पे कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो है 31 मिनट्स हो चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहा होगा कि पहले जो बोर्ड थे राउंड वाले जो एक्सटेंशन थे उसमें डोंट नो कि राइट वाले बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसमें चार्जिंग स्टॉप हो गई थी, तो मैंने जो है पूरा एक्सटेंशन बोर्ड ही चेंज कर दिया। अभी जो है सेम एक्सटेंशन में मैंने जो है दोनों एडेप्टर्स लगा दिए, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कितना 31 मिनट्स में जो कितना चार्ज हुआ है ओरिजिनल एप्पल वाला जो है, ठीक है। यहाँ पे 55% हुआ है, ठीक है, यानी आधे घंटे में 55% किया ओरिजिनल एप्पल वाले ने, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटोनिक्स वाले का हम देख लेते हैं भाई, प्रोटोनिक्स का जो है 57% हुआ है, यानी कि 2% ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है प्रोटोनिक्स स्लाइटली, थोड़ा सा दोनों ही जो मोबाइल जो है थोड़े से मुझे गर्म लग रहे हैं, हीट लग रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह जो हम चेक कर लेते हैं, पहले हम एडाप्टर्स का चेक करते हैं, कर लेता हूँ। 38.9 प्रोटोनिक्स का बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दूसरा चेक करता हूँ, ये जो है 34.2 है एप्पल वाला ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेल्सियस का फ़र्क है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एप्पल वाला ओरिजिनल जो है 34 मोबाइल का भी है 34.8, और यहाँ पे प्रोटोनिक्स वाले का देख लेते हैं हम, इसका 34.5 है, यानी ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो मोबाइल का जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन एडाप्टर्स में से जो है 4-4.5 सेल्सियस का फर्क आ रहा है दोस्तों। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे 32 मिनट्स हो चुके हैं और अभी हम कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टली 1 आवर पे। सो दोस्तों यहाँ पे जो है 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 आवर 2 मिनट्स हो चुके हैं, और देख लेते हैं दोनों की जो चार्जिंग है कितनी गई है। यहाँ पे एप्पल वाले की पहले देख लेते हैं हम लोग, तो 81% हो चुकी है, बहुत अच्छा, 1 घंटा 2 मिनट में जो 81% हो चुका है, 0 to 81%। और यहाँ पे अगर हम प्रोटोनिक्स वाले की देखें तो 82% हो चुके हैं, यानी 1% अभी भी प्रोटोनिक्स आ गया। और अभी मैं जैसे चेक कर रहा हूँ कि दोनों मोबाइल जो है नॉर्मल हो चुके हैं, अभी कोई हीटिंग वगैरह नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी जो है हमारा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है एडेप्टर्स का टेम्परेचर बता देता हूँ, ये अभी 42% पे है, और एप्पल वाला देखते हैं, एप्पल वाला जो है 36% पे है, यानी अभी भी 6% का जो है फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। एप्पल वाले डिवाइस का देखते हैं 34.1, और हमारे प्रोटोनिक्स वाले डिवाइस का देखते हैं 34.6। ओके, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऑलमोस्ट,
0.5 सेल्सियस का ही फर्क आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों कैसा है कि आईफोन की जो बैटरी होती है ना 80% के जैसी अब हो जाती है, थोड़ा स्लो चार्ज होती है, और जो डिवाइस अगर हीट हुए होते तो पूरी तरह से जो है ठंडे हो जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं जैसा दोनों ही डिवाइस पकड़ रहा हूँ तो 80% के पहले जो थे थोड़े से हीट लग रहे थे 60-70% पे, बट अभी जो एकदम दोनों नॉर्मल कंडीशन में आ गए। बट एडाप्टर्स में अभी भी फ़र्क है, पोर्टोनिक्स थोड़ा हीट पे है। ठीक है, तो अभी हो रहा है 1 घंटा 4 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी और 20-25 मिनट जाएगा टोटल इसको 100% होने के लिए दोनों डिवाइसेस को। और एक बार फाइनल वापस देख लेते हैं, इसके अंदर है 82% चार्जिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप कैमरा में 82% है, और इसकी जो है यहाँ पे 83% स्क्रीन पे ही दिख रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 83% 1% का फर्क है। लेट्स सी ये कब तक कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 1 आवर 38 मिनट्स हो चुके हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ पोटोनिक्स वाला जो है 99% पे है। ठीक है, 99% पे ये हो चुका है चार्जिंग। और यहाँ पे अगर हम एप्पल वाले की बात करें तो यहाँ पे एप्पल वाला जो है 99% पे ही है ये भी। ठीक है, ये जस्ट 99% पे आया, जस्ट अभी मैंने चेक किया था 98 था। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट 80% के बाद जो है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है, बस 1-2% का ऊपर नीचे हो रहा है, पोटोनिक्स थोड़ा फास्ट कभी कभी आगे जा रहा है। सो देखते हैं अभी 1 आवर 39 मिनट्स हो चुका है, 100% पहला किसका होता है। आई थिंक मुझे लग रहा है पोटोनिक्स का ही होगा, बिकॉज पोटोनिक्स जो है थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट चल रहा है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल एप्पल वन। और यहाँ पे टिल द टाइम ये 100% होने तक हम जो है इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करें, तो अभी जो दोनों ही फ़ोन है एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो चुके हैं जैसे चार्जिंग से पहले थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी ऑब्जेक्ट मोड में मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है एडेप्टर का हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, 35.4। ठीक है, एप्पल वाले का चेक कर लेते हैं 33.2। ओके, तो अभी ये थोड़ा नॉर्मल आया, पहले जो है 6-7% तक का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा था। और अभी हम मोबाइल का भी चेक कर लेते हैं, ये वाला जो है पोटोनिक्स वाला 32.5, और ओरिजिनल एप्पल वाला जो है 33.8। थोड़ा सा शॉकिंग है कि ये वाला थोड़ा सा हल्का हीट है इससे, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 32.5, 33.6। तो यही है फाइनल, थोड़ा सा एप्पल वाला जो है, एप्पल वाला जो डिवाइस है आईफोन, ये थोड़ा सा 1% का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे अभी भी जो दोनों है 99% पे ही है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी एडाप्टर्स भी जो है नॉर्मल हो चुके हैं, पोट्रॉनिक्स भी है नॉर्मल है, दोनों है। रूम टेम्परेचर देख लेते हैं, हमारा रूम टेम्परेचर कितने पे चल रहा है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर जो है नॉर्मल 33 पे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी 1 आवर 40 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, अभी भी 99% पे ही है। थोड़ा सा मैं वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 6-7 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे जो हमारा पोटोनिक्स वाला है ये 100% चार्ज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100% जो है चार्ज हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो एप्पल वाला है ये अभी भी जो है 99% पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट कुछ सेकेंड्स हुए हैं पोट्रॉनिक्स को जो है 100% कंप्लीट किए हुए, तो यहाँ पे पोट्रॉनिक्स वाला जो है थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एप्पल। और यहाँ पे अभी शायद ये वाला भी जो डिवाइस है हार्डली 30-40 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये भी जो है 100% हो जाएगा एप्पल वाला भी। तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं जो है आपको फाइनल कंक्लूजन देने वाला हूँ कि कौन सा जो एडाप्टर है आपके लिए राइट होगा, और किस तरह से दोनों एडाप्टर्स में से आपकी बैटरी हेल्थ वगैरह पे कुछ इम्पैक्ट्स हो सकता है क्या, बिकॉज पोट्रॉनिक्स भी जो है जाना माना नाम है मार्केट में। ठीक है, सो पोट्रॉनिक्स के भी जो प्रोडक्ट्स है अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हीटिंग ज़्यादा लगी पोट्रॉनिक्स में। सो यहाँ पे देख लेते हैं, 99% पे ही है अभी भी। सो दोस्तों अब यहाँ पे फाइनली जो एप्पल वाला है ये भी 100% हो चुका है, 2-3 मिनट थोड़ा सा डिले था एज़ कम्पेयर टू पोट्रॉनिक्स। ठीक है, 100% हो चुका है, तो 3 मिनट ज़्यादा लिया है एप्पल वाले ने। ठीक है, लास्ट में, बट ओवरऑल चार्जिंग में जो है कहीं पोट्रॉनिक्स 1-2% से आगे था। ठीक है, और लास्ट में 1% से आगे था, और यहाँ पे जो एप्पल वाला है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा था, और हीटिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छा बैलेंस हुआ था। तो अभी फटफट से मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, और दोनों ही देखिए डिवाइस जो है अभी ये वाला 100% हो चुका है, दोनों 100% हो चुके हैं दोस्तों, और जो टाइम लगा है वो ऑलमोस्ट 1 आवर 47 मिनट का लगा है। ठीक है, अभी 48 हो रहा है, बट ये 1 मिनट पहले ही हो गया था। और यहाँ पे 1 आवर 47 भी नहीं ले सकते, 2 मिनट आप और पीछे ही ले लीजिए, बिकॉज 1 आवर 45 मिनट्स एक्जैक्टली लीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, राइट वाला बोर्ड सडनली बीच में बंद हो गया था, तो वो सब चेंज करने में 2 मिनट मैंने टाइमर स्टॉप किया था, और साथ ही साथ वो सब करने में 2 मिनट लगा था, तो 2 मिनट आप और माइनस करके चल सकते हो। तो यानी 1 आवर 45 मिनट्स लगा था, टाइमर को भी जो है स्टॉप कर लेते हैं अभी, 1 आवर 45 मिनट्स लगा था
दोनों ही एडाप्टर्स को 0 to 100% करने में, यानी डेड कंडीशन से 100% करने में। तो फटफट से मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों ही आईफोन 13 जो है 100% चार्ज हो चुके हैं 0 to 100, यानी पूरी डेड कंडीशन से पूरा 100% करने में 1 hour 45 minutes का टाइम लगा है। और यहाँ पे दोस्तों पोट्रोनिक्स वाला जो चार्जर है थोड़ा सा फास्ट निकला एप्पल के मुकाबले में। यहाँ पे एप्पल का जो ओरिजिनल वॉट है उससे थोड़ा सा पोट्रोनिक्स वाला फास्ट है, और दोनों जो है 20 watt के ही चार्जर है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपके लिए कौन सा बढ़िया चार्जर होगा, कौन सा बेस्ट चार्जर होगा, और बैटरी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले बैटरी बैटरी हेल्थ के बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए बैटरी हेल्थ जो है ये आईफोन 13 या फिर जो लेटेस्ट आईफोन है ना, सारे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप 20 वॉट वगैरह के चार्जर जब यूज करते हो ना, तो एज कंपेयर टू जो पहले वाले ओल्ड एडेप्टर्स आते थे 5 वॉट वगैरह के, ठीक है, उसके मुकाबले में जो है 20 वॉट के चार्जर से चार्ज करने से बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होती है, आप उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एक रिसर्च से पता चला है कि जब आपका जो आईफोन है 300 या 400 चार्जिंग साइकिल कंप्लीट कर लेता ना, तो उसके बाद जो है आपकी बैटरी हेल्थ धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है। यानी जब आप नया आईफोन लेते हो तो आप 3 या 4 5 महीने के बाद उसकी बैटरी हेल्थ जो है नॉर्मल धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है। तो आप यहाँ पे दोस्तों पोटोनिक वाले ने थोड़ा सा फास्ट तो चार्ज कर दिया बिकॉज, बट यहाँ पे मुझे जो है पोटोनिक्स में थोड़ा सा हीटिंग इशू लगा है एज कम्पेयर टू एप्पल। एप्पल जो है थोड़ा स्लो था लेकिन एकदम बैलेंस स्पीड और जो है हीटिंग वगैरह को एकदम बैलेंस किया पूरे चार्जिंग साइकिल के अंदर, जो है हार्डली 37-38 सेल्सियस के ऊपर नहीं गया। बिकॉज मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे फैन वगैरह भी नहीं चालू है और एसी वगैरह भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी रूम टेम्परेचर थोड़ा गर्म है। बट डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आप कौन सी सिटी में रहते हो या कौन से एटमोसफियर में रहते हो, जहाँ पे अगर एसी वगैरह है आप अंडर 30 सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हो तो और भी कम हीट होगा, ठीक है। तो पोट्रोनिक्स वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा हीट लगा, मैक्सिमम जो है ऑफ द कैमरा 48-49 तक भी मैंने इसको देखा। तो ये एक चार्जर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है सेल्सियस 48-49 तक, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो पोट्रोनिक्स का जो एडाप्टर है फास्ट चार्ज कर रहा है, इसलिए जो है थोड़ा फास्ट चार्ज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा ज्यादा हीटिंग भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर आप अपनी ओरिजिनल केबल यानी एप्पल के जो बॉक्स के अंदर आती है वो केबल यूज करेगा, बिकॉज ये सब जो है MFI सर्टिफाइड होती है आईफोन के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो कंट्रोल में जो है चार्जिंग वगैरह होगी, बट यहाँ पे जो है हो सकता है कि आपकी जो एडाप्टर की लॉन्ग लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, जो लाइफ है वो कम हो जाए, बिकॉज अगर ये ज्यादा हीट होगा तो इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो ज्यादा हीट होंगे और उससे वो जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये इसका जो है माइनस पॉइंट है दोस्तों पोट्रोनिक्स का। सो दोस्तों यहाँ पे अब आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको जो है 400-500 रुपए का ये पोट्रोनिक्स चार्जर लेना है या फिर आपको 1800-1900 रुपए खर्चा करके ये एप्पल का ओरिजिनल एडाप्टर लेना है। एप्पल ओरिजिनल एडाप्टर जो है लॉन्ग टर्म के आपसे ज्यादा सही रहेगा दोस्तों। पोट्रोनिक्स भी अच्छा एक ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है, बट जो एप्पल का ओरिजिनल एडाप्टर है वो बना ही आईफोन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है हीटिंग इशू वगैरह ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, और दोनों ही आईफोन का जो है 80% जैसी अबो हुआ था, बिकॉज आईफोन की जो बैटरी है उस तरह से कोलैबोरेट की गई है कि 80% के ऊपर जो है चार्जिंग भी स्लो हो जाती है और जो हीटिंग वगैरह है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था आप लोग को। तो आपका डिसीजन होना चाहिए, अगर आपको 400-500 देके पोट्रोनिक्स लेना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, और अगर एप्पल ओरिजिनल एडाप्टर लेना है 1800-1900 रुपए खर्चा करके तो डेफिनेटली वो भी बाय कर सकते हो। अब बहुत से लोग कमेंट्स में बोले हैं कि सर हम अगर 40-50 हज़ार खर्चा करके आईफोन ले रहे हैं तो 2000 चार्जर लेने में कोई क्या दिक्कत होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैंने इसलिए कहा कि आपका डिसीजन होना चाहिए, अगर आपको आप 2000 रुपये खर्चा करके ले सकते हो तो डेफिनेटली ले जा सकते हो, बट बहुत से लोगों ने वन शॉट पेमेंट नहीं किया, EMI वगैरह के ऑप्शन में गए हैं, तो उनके लिए जो है 2000 रुपये भी मैटर करता है, ठीक है। सो दोस्तों बस इतना ही बताना था, और यहाँ पे अगर आप बैटरी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो डेफिनेटली एप्पल ओरिजिनल जो 5 वॉट का चार्जर है उससे आप चार्ज करो, 3.5-4 घंटा लगता है, ठीक है, लेकिन आपकी बैटरी हेल्थ जो है थोड़ा स्लो स्लो डाउन होगी, और नॉर्मली जो है 2-2.5 साल के अंदर 2-2.5 साल के बाद जो है आपकी बैटरी हेल्थ जो है नॉर्मली 85% या 85% के बिलो आ जाती है। अगर आपका मान लीजिए हैवी यूसेज, आप डेली यूज़ करो, डेली चार्ज करो, तो डेफिनेटली एक साइकिल है, ठीक है, या फिर अगर आप सिर्फ अपने बहुत लाइट यूसेज के लिए रखते हो तो शायद आपकी बैटरी हेल्थ और ज़्यादा चल सकती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर के रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड भी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और दोनों ही एडाप्टर के जो बाइंग लिंक है, बेस्ट बाइंग लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए, दोनों जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताइए कि आप लोग जो है अभी करंटली कौन सा एडाप्टर यूज कर रहे हो अपने आईफोन के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।